ऐसा है ना कि ओट मंगा था तो मांगे तो आज बौरायल हुई वह ओट दे सबके लोग था कि के कहा अच्छा ही बताओ जकरी कर्जवा में दमना हुई जनता खातिर खड़ा हुई का सुधाकर तो थाना डाखाना जहाँ अगर जरूरत पड़ी तो संगे आधी रात का खड़ा हुए 50 वर्ष के लड़का रहा सबके संगे मारा हुआ खड़ा हुई है तोरी खातिर जई है तोरी खातिर जो उनको दुर्गत है तो झेली है सुना वो बहुत मरायल हूँ मरेलो पिटायल हूँ सुनो एक बोला ना मर यहाँ पिटे हैं तोरी खातिर के आई लोग खड़ा हुई लोग का आज जिला में नौकरशाही हादी है जो नौकरशाही का आतंक है क्यों खड़ा होला का ना MLMP नौकरशाही के आतंक के सामने कोई खड़ा होता है भ्रष्टाचार चरम पर है कोई खड़ा हो रहा है आप बताइए राम राज नहीं है जा करके दफ्तरों में देखिए क्या हाल है गरीबों की चमड़ी निकल जा रही है पैमाइश करानी है 500 रुपए में जो पैमाइश होती थी 5,000-10,000 लग रहा है ना जल्दी जल्दी दिल बदली तो कौन बात करने था हमेला घुमनी नेता हुआ का उलो मंच बस कहता हूँ कि सत्ता रही तब्बे तब विकास वकास हुई विपक्ष में का हो अपने विकास के लिए लोग सत्ता की तलाश कर रहे हैं इनके बगैर मऊ की राजनीति समय क्या हर वक्त अधूरी रहती है मऊ में जब भी नेता की बात की जाती है तो देव प्रकाश राय के बगैर अधूरी है देव प्रकाश राय जी उपचुनाव में क्या माहौल दिखत बा देखते बड़ा माहौल पर बताओ जिंदाबाद करने आए क्या आप भी जिंदाबाद तो भाई सरकार जिसकी है वो क्या कर रहा है इसको आप लोग देख रहे हैं पत्रकार हैं आप रही जिसकी सरकार है वो किन किन लोगों को खोज करके ला रहा है कैसे लोग आ जा रहे हैं ठीक है ये आने जाने का जो सिलसिला है आप लोग को अच्छा लग रहा है आप लोग तो पत्रकार है जनता को तो नहीं अच्छा लग रहा है मेरी समझ से जनते तो चुनती है ऐसे लोगों को है तो ठीक है भाई जमाना खरी खुदी का कुछ चला था तमाम बुखार बा देश में ठीक है लेकिन हर तैना चली कहा लगा था बदलाव हुई कि बदलाव क्या सरकार तो बननी बिगड़नी नहीं लेकिन संदेश जाना है ये 2024 का संदेश है घोसी का विधानसभा चुनाव क्या इंडिया जीतेगी या एनडीए जीतेगी इंडिया जीत चुकी है इंडिया जीत चुकी है आने जाने दीजिए लोगों को वो आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है आगे जाके मंत्री मंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं जिले मंत्री बनेंगे विकास मंत्री तो रहते हैं लोग फिर भी कुछ नहीं दिखाई कहाँ बना मेडिकल कॉलेज नहीं बना इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना कुछ काम नहीं हुआ जिले में बहुत दिन तक तो मंत्री रहे लोग क्या हुआ कुछ हो गया क्या देखो पीछे राजभर हम विधायक रहे रोडवेज ना बनाना अब कहा रोडवेज बनवाए उनकी संगे तो बड़ा अत्याचार भेल भाई उनका तो लड़त लड़त हुल्ला भेल है कि सब्जी बेचे वाला का लड़का सब्जी बेचे वाला का लड़का सब्जी बेचे वाला का लड़का चाय बेचे वाला का प्रधानमंत्री हो गए तो सब्जी बेचे वाला के एमएलए ना हुई बेचारे हो गए अब की दाई उनको जो है टिकट कट गए हकदार तो उड़ल घोषी का उनके संगे जाति भेल कि ना ये भाजपा कर ले भाजपा का कर ले भाजपा का कर ले बताओ विजय राजभर के हक रहा कि ना रहा विजय राजभर कहक रहा कहीं अंदर अंदर विजय राजभर संगे ना नाम है इंडिया की अच्छा तो ना रही है तो अपनी करेजा पर पत्थर धरी है तबे ना रही है और अगर करेजा पर पत्थर ना धरी है तो उनके इंडिया के संगे रहे के चाहिए कैसे कि अगर पत्थर ना करेजा पर धरी है तो उनका दिल तय कहते हुए कि भाई हम उनकी संगे की भाई लिया तो क्या लगे दारा सिंह चौहान बड़ा नेता हूँ जिला का बहुत बड़ा हल्ला है बड़ा नेता हूँ सांसद विधायक मंत्री सब रह चुका हूँ सामने एगो पूर्व विधायक खाली बाड़ा मुकाबला कैसे हुई उनके तो विधानसभा का चुनाव ना लड़क चाहिए जो उन्हीं कुर्सी पर पंडित अलगूराज शास्त्री जय बहादुर सिंह झारखंडे राय कल्पनाथ राय नेता लोग ना बैठ पाओ लोग संसद की पहली कुर्सी पर अगली कुर्सी पर अगली कतार में बसपा उनके बैठौल तो बहन जी का उका कैला बहन जी के छोड़ के चल गए पहली हला राज्यसभा में बहन जी भेजली ठीक फिर छोड़ के भाई जी के संगे गैलें फिर भाई जी के छोड़ के बहन जी के संगे गैलें बहन जी उनके लोकसभा में बैठा दिली पहली कुर्सी पर फिर ओकर बात का कहलें फिर ओकर चल गए भाजपा में फिर गए सपा में फिर भाजपा में अरे का है भाई ये का हो तो अगर सुनो 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 खूब खूब बढ़िया उनसे हमारे पटरी है आईला जाइला मंत्री रहा दू खड़ा गई ठीक है और बड़ा अच्छा लगे व्यवहार से कौन गड़बड़ा है लेकिन हो कौन व्यवहार है मतलब वैचारिक मतभेद 50 साल से मैं 16 साल का था तब से एक पार्टी में हूँ चौधरी चरण सिंह का करता हूँ और किसानों की बात करता हूँ इतना जल्दी जल्दी दिल बदली तो कौन बात करने था हमेला घुमनी नेता हुआ का उलो मंच बस कहता हूँ कि सत्ता रही तब्बे तब विकास वकास हुई विपक्ष में का हो अपने विकास के लिए लोग सत्ता की तलाश कर रहे हैं अगर विकास करना होता तो 24 साल के राजनीतिक जिंदगी में मऊ का बहुत विकास हुआ होता क्या हुआ मऊ में कुछ हुआ क्या एक मेडिकल कॉलेज बना एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना मऊ में मुख्यालय पर एक जो है विज्ञान विश्व का स्नातक स्नातकोत्तर राजकीय विद्यालय नहीं है क्या किया लोगों ने मऊ के लिए मऊ के विकास के लोग बात करते हैं मऊ के विकास की बात करने का हक इनको नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम विकास की बात करने का हक नहीं है बाबा जी आएंगे चुनाव में आए थे पिछले चुनाव में उपचुनाव में आए थे और दे दिया राजकीय मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी कौन मेडिकल कॉलेज दिया
पीपी मॉडल क्या है? झुंझुना है, गरीबों की चमड़ी निकल जाएगी। पीपी मॉडल क्या है? मेडिकल कॉलेज। ऐसा होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजवा में गेलो, फिर वो मेडिकल कॉलेजवा के नाम पर वोट मंगात बा। ऐसा ना ना कि वोट मंगा था तो मांगे था, आज बौराइल होई वो वोट दे। सबके लौक था कि के कहा, अच्छा ई बताओ जकरी कर्जवा में दमना होई जनता खातिर खड़ा होई का? सुधाकर तो थाना डाखाना जहां अगर जरूरत पड़ी तो संगे आधी रात का खड़ा हो, 50 वर्ष के लड़का रहन तब संगे मारो हुए खड़ा हुई है। तोरी खातिर जई है, तोरी खातिर जो उनको दुर्गत है तो झली है। सुना वो बहुत मरायल हूँ, मरेलो पिटायल हूँ। सुनो एक बोला ना, मर यहाँ पिटे हैं तोरी खातिन के। आई लोग खड़ा हो लो का? आज जिला में नौकरशाही हावी है, जो नौकरशाही का आतंक है, क्यों खड़ा होला का नहीं एम एल एम पी? नौकरशाही के आतंक के सामने कोई खड़ा होता है? भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई खड़ा हो रहा है? आप बताइए। राम राज नहीं है, जाकर के दफ्तरों में देखिए क्या हाल है। गरीबों की चमड़ी निकल जा रही है। पैमाइश करानी है, 500 रुपए में जो पैमाइश होती थी 5,000-10,000 लग रहा है। राम राज नहीं है, आतंक राज है, आतंक राज चल रहा है। तो क्या लग रहा है, दारा सिंह चौहान जो है सत्ता में जाएंगे तो आतंक को खत्म कर देंगे? देखिए, दारा सिंह चौहान के मान के आतंक खत्म करना नहीं है। आतंक बिना सरकार के अगर आतंक करने की ताकत, खत्म करने की ताकत अगर मऊ जिले में किसी के पास है तो आज की तारीख में सुधाकर सिंह के पास है। बिना सरकार के सुधाकर सिंह एमएलए बन जाए। थोड़ा एजुके वहां बाली के डाकमाले पर मीटिंग थी और रामधन जी जीते थे। रामधन जी आए मीटिंग में, देखे तो बोर्ड लगा हुआ है, किसका अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर। रामधन जी जब गए अंदर कमरे में, कौन अध्यक्षता करेगा? कलेक्टर। मैं 5 बार का सांसद और अध्यक्षता कलेक्टर थे। निकले सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, दौड़ करके कलेक्टर थे, कलेक्टर बिश्नोई, दौड़ करके हाथ पर पकड़ने लगे लोग, पकड़ करके नहीं आपकी अध्यक्षता लोगी थी ना। सुनो, जब कुछ जनब नियम कानून थे ना, तब ये अधिकारी धोखे कुछ जानी है। जब कुछ जनबे ना करब तो क्या अधिकारी क्या जानते, कुछ जानते होगा? ये अधिकारी मतवाला हाथी की तरह से चल रहे हैं। जनता रौंदी जा रही है, कोई पूछ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है जनता को? कोई नहीं पूछ रहा है। काहे नहीं पूछ रहा? कल मन से हल्ला हुआ, यादव पंडित भूमिहार पर सब हर जाति के लेके मंच पर बैठाओल गेल की हर जाति के मंत्री और हर जाति का वोट हुई और घोसी में जाति पर चुनाव होला। राम भुवन चमार रहो है, उनके जिलवा का अध्यक्ष के बनौले है? सुधाकर बनौले है, कोई दूसर बनौले का? भाजपा के चमार के बनौले है अध्यक्ष? बताओ राम भवन के अध्यक्ष बनौले हो ना, रसाड़ा से मिले लड़ो ना, सुधाकर लड़ो ना। तो जात पात के जे बात करे सुधाकर संगे, सुधाकर जात पाती ना है, दिल तरी कर जावा का मनबी संगठी ना, मनबी से बने जा थोड़ा, अगर के उनकी आदमी के सताई दबाई तो ओकर संगे खड़ा हुई है। उनका भले जनता उनका साथ दे ही कि एकदम सत्ता के और जनता जानो के साथ दे कि लॉलीपॉप काटी थी ना। ओके, हम ओकर हम ठेकेदार तो है ना, लेकिन हम सुधाकर संगे है, आयकारी खातिर के है कि जब संसद में अगली पार्टी में बैठा छोड़ के संग भाग गए बसपा का, उस सपा के छोड़ के संग भाग गए, भाजपा मंत्री बन सोकर संग छोड़ के भागल, कैसन भगोड़ा के संगे अगर जनता के हुआ तो जनता अपन दुर्गत बुझो। ये बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठा लोग संग छोड़ के भाग गए ना, तो जनता के संग खड़ा होकर वाला होगा आल हम लड़ों के लड़ो से पार्टी होकर मतलब का क्यों ना? तो इतना ही चिल्ला रहे हैं, कुछ जनता में असर जा रहा है? जनता में असर पहले से ही है। दारा के खिलाफ आक्रोश है। फूल फूलने से पहले जो कली तोड़ दे उस मालिन पर क्या हम भरोसा करें? हर रात जो सौहर बदला करे उस दुल्हन पर क्या हम भरोसा करें? आज दारा से सब लोग नाराज हैं और बाहरी भगाओ का नारा चल रहा है घोसी में। बहुत ज्यादा वोटों से सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज सब लोग नेता विहीन हैं, नेता को अपने जिताने के लिए परेशान हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जीत जाएं और हजार धर्म के लोग सुधाकर सिंह के साथ लंबबंद हैं। बहुत भारी मतों से सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, तो चुनावी नामांकन का आज अंतिम दौर है और पूरे परिसर में नामांकन केंद्र के